अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब टैक्स फाइलर्स। हमने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल कर दी, अब अगर आपकी रिटर्न में रिफंडेबल इनकम टैक्स आ रहा है, इसका मतलब आपने जितना टैक्स बनता है उससे ज्यादा दे रखा है, तो FPR को रिफंड की एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं। तो आए उसका तरीका देखते हैं। आयरिस में लॉग इन करें, यहाँ लेफ्ट साइड पर कंप्लीटेड में जाकर देखें तो डिक्लेरेशन लिखा होगा, इस पर क्लिक करें। तो आप जो रिटर्न सबमिट कर चुके हैं वो यहाँ नजर आएगी टैक्स ईयर के साथ, उस पर क्लिक करें और फिर व्यू के बटन को क्लिक करें। ये ओपन हो गई रिटर्न। यहाँ नीचे कंप्यूटेशंस में जाएं तो आपको रिफंडेबल इनकम टैक्स में अमाउंट नजर आएगी, ये अमाउंट आप रिफंड करवा सकते हैं। अमाउंट याद रखें और इस फॉर्म को क्लोज कर दें। अब यहाँ ऊपर रिफंड पे क्लिक करें और फॉर्म ओपन करें। सिस्टम आपसे पीरियड पूछेगा कि किस टैक्स ईयर का रिफंड क्लेम करना है, तो पीरियड के बटन को क्लिक किया और टैक्स ईयर एंटर करके सिलेक्ट, तो फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ इस ब्लैंक को पूरा सिलेक्ट करें और वो अमाउंट यहाँ लिख दें। फिर अटैचमेंट के टैब पर क्लिक करें। अब यहाँ अपने रिटर्न फॉर्म में एडजस्टेबल टैक्स में जहाँ जहाँ इनकम टैक्स दिया हुआ है, जैसे सैलरी स्लिप, इंटरनेट पे तो उसका टैक्स सर्टिफिकेट, मोबाइल पे तो उसका, बैंक का टैक्स सर्टिफिकेट और गाड़ी के टोकन टैक्स पर दिया है तो उसकी रसीद, ये सब स्कैन करके अपलोड करते हैं। यहाँ प्लस पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करें और ओके, तो डॉक्यूमेंट एड हो जाएगा। इसी तरह बाकी सब डॉक्यूमेंट अटैच करें और अपना रिटर्न फॉर्म भी जिसमें रिफंडेबल टैक्स आ रहा था अपलोड करके सबमिट के बटन पे क्लिक कर दें। लें जी, हमारी रिफंड की एप्लीकेशन सबमिट हो गई। यहाँ आउटबॉक्स में देखें तो आपको अपनी रिफंड एप्लीकेशन नजर आ जाएगी। अब आप वही सब डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड किए हैं उनकी ओरिजिनल लेकर अपने करीबी RTO जा सकते हैं और रिफंड हासिल कर सकते हैं। देखा, आसान है ना। ये भी फायदा है फाइलर होने का कि ज्यादा नहीं उतना टैक्स दें जितना बनता है। तो रिटर्न फाइल करें, कम टैक्स रेट्स का फायदा उठाएं और रिफंड भी लें। अच्छा, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।